सो गाइस आ गए अपने गैलरी में और ये रहा हमारा मॉडल। इसको करेंगे हम अपने लाइट रूम में शेयर दी टचिंग के लिए। तो कर दिए हम शेयर और यहाँ पे आ गया नोटिफिकेशन पैनल पे एंड ये आ गया नीचे। एंड गाइस एक DNG फाइल मिलेगा आप लोग को, गूगल ड्राइव लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एंड इस किधर गया, ये रहा, इस DNG को आप कॉपी करके अपने फ़ोटो पे पेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यार मैं बनाने वाला था इसका ट्यूटोरियल बट ये लंबा हो जाता है इसीलिए नहीं बनाया। तो इसको आप पेस्ट कर देंगे यहाँ पे और देख सकते हैं पूरा ब्लैक हो गया हम लोग का फ़ोटो। एंड थोड़ा नहीं, यहाँ से हम थोड़ा लाइट्स में जाके थोड़ा मैन्युअली एडिट करेंगे फेस को कि फेस पे थोड़ा लाइट आ जाए। ब्लैक ठीक है, एंड कलर्स में जाके मिक्स में जाके एंड अपने फेस को थोड़ा ब्राइट करेंगे, ठीक है। एंड डन, एंड ये भी ठीक है। एंड यहाँ से कर लेंगे हम इसको शेयर, ये हो गया सेव। एंड गाइस इसको हम करेंगे अब ऑटोडेस्क में सेंड। एंड गाइस इसको अच्छे से 0 पे कर लेते हैं। एंड गाइस इसमें हम एक परी का PNG जो हमारे थंबनेल में लगा हुआ है उसी परी का पिक को हम ऐड करेंगे, PNG को ऐड करेंगे। ये रहा, इसको करेंगे अच्छे तरीके से ऐड ताकि हमारे मॉडल के आंखों और उसके बीच में अंतर ना दिखे। ये हो गया ऐड। एंड इसका हम यहाँ पे एक बनाएंगे हम एम्प्टी लेयर एंड इसको करेंगे हम परी के नीचे। एंड गाइस यहाँ से हम ब्रश को चूज़ कर लेंगे ये वाला एंड इसको साइज़ को ऑपेसिटी को थोड़ा घटा बढ़ा कर हम कलर पिक कर लेंगे। यहाँ से कलर्स में जाके यहाँ से कलर पिक कर लेंगे लाइट पिंक वाला। एंड गाइस हम यहाँ पे उगाना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा साइज़ को बड़ा कर लेते हैं एंड ऑपेसिटी को भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं थोड़ा और ज़्यादा। अब हम अपने पड़ी के अराउंड हम इसको उगाएंगे अच्छे तरीके से ताकि पड़ी चमकने लगे और देख सकते हैं ग्लो लाइट आ गया है हम लोग के पड़ी के। फिर एक एम्प्टी लेयर लेंगे एंड इसको हम अपने फेस पे उगाएंगे, साइज़ को छोटा करके अपने फेस पे उगाएंगे अच्छे तरीके से ताकि लगे कि जो पड़ी का लाइट है वो अपने चेहरे पे आ रहा है, चश्मे पे, बालों पे एंड शर्ट्स पे। इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं ब्लेंडिंग मोड में जाके हम ओवरले ताकि कलर अच्छे तरीके से चढ़ सके। ये हो गया एंड इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। एंड गाइस अब नेक्स्ट फेस को करेंगे स्मूथ, इसके लिए ये ब्रश को हम चूज़ कर लेते हैं। एंड यहाँ पे जब आप चूज़ कीजिए तो फ्लो जो होता है ज़्यादा होता है तो आप इसको कम कर लीजिएगा एक पे एंड उसी हिसाब से आप स्मूथ कीजिएगा, अच्छे तरीके से अपने फेस को स्मूथ कर लीजिएगा हौले हौले। ये वीडियो में हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। हर जगह को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा एंड यहाँ पे हम करेंगे एक PNG को ऐड। तो ये PNG रहेगा टोर्नेडो तूफान जो कहो, ये रहा, इसको करेंगे हम यहाँ पे पड़ी के बिल्कुल पीछे, इसको आगे भी रख रहे हैं, इसको यहाँ से करेंगे डन। एंड यहाँ से कर लेंगे पड़ी के सबसे नीचे एंड मॉडल के ऊपर ताकि हमारी पड़ी और अच्छे तरीके से निखर सके। एंड गाइस इसमें एक और PNG ऐड करेंगे जो स्टार्स का रहेगा और यह स्टार्स मतलब पड़ी को और अच्छे तरीके से निखारेगी। एंड इसको कर लेंगे ऐड ताकि अच्छा लगे दिखने में और इसको अपने फेस पे भी थोड़ा सा लाइएगा ताकि अच्छा लगे दिखने में। एंड गाइस यहाँ से कर लीजिएगा फ़ोटो को सेव, ये हो गया सेव। एंड जाएंगे अपने गैलरी में उस फ़ोटो को लेकर एंड उस फ़ोटो को अपने स्नैपशीट ऐसे देख लीजिए कितना अच्छे है। एंड यहाँ से हम करेंगे स्नैपशीट में इसको सेंड डजंट बर्न के लिए। एंड यहाँ से पहले ये वाला
टूल को यूज़ कर लेंगे ताकि हमारा कलर वापस आ जाए। एंड यहाँ से टिक एंड यहाँ से सेलेक्टिव वाला टूल में जाएंगे एंड यहाँ से इस कलर को पिक करके एंड यहाँ पे अच्छे तरीके से लाइट्स को एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे ऊपर के साइड को थोड़ा सा लाइटनेस दीजिएगा ताकि परी का लाइट और चेहरे का लाइट मिक्स हो सके। ये हो गया, ये देख सकते हैं। एंड गाइस थोड़ा सा हम डिटेल दे देते हैं इसमें, तो डिटेलिंग के लिए शार्पनेस, हाँ स्ट्रक्चर ये ठीक है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा हाँ ना पे और ठीक है। एंड गाइस जाएंगे ब्लड वाले, नहीं डॉज एंड बर्न करेंगे यूज़, वो भी अच्छे तरीके से, जहाँ जहाँ आपको लाइट की ज़रूरत है वहीं वहीं इस चीज़ को अच्छे तरीके से उगाइएगा। थोड़ा सा गालों पे, चश्मा पे और शर्ट्स पे, गर्दन पे, शर्ट्स पे, गर्दन पे, थोड़ा सा नाक पे और सर के ऊपर भी। ये हो गया एंड इसको करेंगे डन। एंड गाइस हम लेंस ब्लर में जाएंगे एंड इसको छोटा करके विग्निटी को करेंगे एकदम माइनस एंड इसको करेंगे डन। एंड यहाँ से जाके यहाँ से जाके हम रिव्यू डिटेल में जाके हम इसको करेंगे अंडो एंड यहाँ से हम चेहरे पे उगाएंगे ताकि हमारा फेस और स्मूथ हो जाए, तो स्किन इतना स्मूथ मक्खन की तरह दम। तो इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं अच्छे तरीके से, तो आपका मतलब फेस बहुत अच्छा लगेगा। नाक पे, माथे पे, थोड़ा सा गर्दन पे, यहाँ पे, अच्छे तरीके से उगा लीजिएगा, हर एक कोना को चमका दीजिएगा। और हाथ पे बच गया तो हाथ पे अच्छे से कर लेते हैं हम, हर एक पार्ट्स को देख लीजिएगा अच्छे से एंड डन कर देंगे बैक एंड कर लेंगे, देख लीजिए पड़ी को। एंड गाइस इसको कर लेंगे हम सेव। सो गाइस इसमें एक चीज़ और छूटा है जो आपको थंबनेल में ठीक दिख रहा होगा, तो वहाँ पे आप इस फोटो पे लिख सकते हैं आई फील यू, मतलब कि अपनी गर्लफ्रेंड को मिस कर रहे हो तो उसी के कारण बना रहे हो, किसी को मिस कर रहे हो तो उसी के कारण बना सकते हो इस फोटो को। एंड गाइस हम जो मतलब ये फ़ोटो बनकर तैयार हो गया और हम पहले से तैयार किए थे वो था ये पिक। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब।